अच्छा, अब बात बजट के उस हिस्से की, भाई इनको कुछ मिले ना मिले, आम आदमी तो ये जानना चाहता है कि उसको क्या मिला। तो बजट में आम आदमी की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है इनकम टैक्स स्लैब को लेकर। मोदी 3.0 के पहले बजट से पहले पब्लिक टैक्स में छूट की उम्मीद की जा रही थी। मोदी सरकार ने लोगों को निराश भी नहीं किया, सरकार ने टैक्स की दरों में बदलाव किया। हाँ, कोई बहुत तूफानी बदलाव नहीं किया, लेकिन किया। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों ही ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे जनता को बचत होगी। पहले आप देखिए कि न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब है उसमें क्या बदलाव हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम में पहले 3 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था, अब भी कोई टैक्स नहीं लगता। पहले था कि 3 से 6 लाख सालाना इनकम पर 5% टैक्स लगता था, अब इसको 3 से बढ़ाकर 7 लाख सालाना कर दिया गया है 5% टैक्स के लिए। पहले 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स लगता था, अब 7 से 10 लाख कर दिया गया है इसको। 9 से 12 लाख के सालाना इनकम पर 15% टैक्स था, इसको 9 की बजाय 10 से 12 लाख तक कर दिया गया 15% टैक्स। पहले 12 से 15 लाख जो सालाना इनकम थी उस पर 20% टैक्स था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30% टैक्स था, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो मोटे तौर पर जो लोग 10 लाख तक की कमाई कर रहे हैं उनके लिए फायदे की खबर है, या फिर कहिए कि 3 से 12 लाख तक सालाना इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, और इसका सीधा फायदा आम टैक्स पेयर को होगा और उसके करीब 17,500 रुपए सालाना बच जाएंगे। टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद 7,75,000 रुपए सालाना कमाने वालों को 1 पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा। वो कैसे होगा वो भी समझिए। भाई 3 लाख रुपए तक तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5% टैक्स लेना है, यानी जो 4 लाख रुपए की कमाई है इस स्लैब में उस पर 5% यानी 20,000 रुपया टैक्स बनेगा। न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत सरकार 20,000 रुपए माफ करती है। वहीं सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। नौकरी करने वालों की सैलरी से एक निश्चित अमाउंट पहले ही घटा दिया जाता है, इससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और टैक्स भी कम देना पड़ता है। इसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। तो 7 लाख की इनकम पर 20,000 का टैक्स सेक्शन 87A से माफ हो जाएगा। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 जोड़ दीजिए तो 7,75,000 तक की इनकम टैक्स पर इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल क्लास को टैक्स में राहत की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार टैक्स में राहत देने के लिए लगातार काम कर रही है। एक बार पीएम का यह बयान भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि ये सरकार ने जो टैक्स में छूट दी है ये कितनी बड़ी या कम। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में यह सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, दूसरे माध्यमों से भी आम आदमी को, मिडिल क्लास को मदद मिलेगी टैक्स बचाने। इंडी गठबंधन का एक आरोप यह भी रहता है कि मोदी सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है, गरीबों का पैसा अडानी अंबानी को देती है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो भी आपको बताता हूं। जो टैक्स रिटर्न की हम बात करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि भाई सरकार ने बहुत बड़ा कोई तूफानी कदम नहीं उठाया, लेकिन अगर आप इसको नंबर से समझेंगे कि टैक्स रिटर्न भरने वाले, मतलब जो इनकम टैक्स भरते हैं, उनकी संख्या देश में कितनी है, 7.4 करोड़, यानी 7,40,00,000 लोग इनकम टैक्स भरते हैं इस देश के अंदर। 140 करोड़ की आबादी में 7,40,00,000 लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इसमें भी जीरो टैक्स, जिनका जीरो टैक्स की कैटेगरी में जो लोग आते हैं वैसे लोग हैं 5,16,00,000। 7,40,00,000 में से 5,16,00,000 लोग ऐसे हैं जो रिटर्न तो फाइल करते हैं पर उनका कोई टैक्स नहीं बनता, टैक्स नहीं देते, वो स्लैब में आते हैं। टैक्स देने वाले कितने लोग हैं, टैक्स देने वाले लोग हैं 2,24,00,000। इतने लोग 2,24,00,000 टैक्स देते हैं। अब इस 2,24,00,000 में अगर आप देखेंगे 10 लाख से कम जिनकी इनकम है,
ऐसे लोग कितने हैं? 10 लाख से कम इनकम वाले 97% है, यानी ये जो 2,24,00,000 लोग टैक्स दे रहे हैं उसमें से भी 97% लोग ऐसे हैं जिनकी 10 लाख से कम आमदनी है। तो ऐसे लोगों की इनकम टैक्स में योगदान इनका कितना होता है? इनका योगदान होता है 52%। सरकार जो 100 रुपया कमाती है इनकम टैक्स से उसमें 52 रुपया ऐसे 97% लोगों से आता है जिनकी आमदनी 10 लाख से कम है। तो जब आप 10 लाख कम तक या 12 लाख तक कमाने वाले को टैक्स में छूट देते हो तो आप यह समझिए कि सरकार जो 52 रुपया कमा रही है उसमें कमी कर रही है, 97% लोगों को राहत दे रही है। यह बात समझनी होगी। जो लोग 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले हैं इसमें 10 लाख प्लस के इनकम वाले जो लोग हैं ऐसे लोगों की जो संख्या है वो 3% है। और उस 3% में हम में से बहुत सारे लोग आते हैं तो हमको लगता है कि यार हमको तो कुछ मिला नहीं। लेकिन अगर आप सरकार के हिसाब से देखिएगा तो सरकार 97% लोगों को राहत दे रही है। वो ऐसा देखिए नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है, उनका विजन क्लियर है कि देश को आगे ले जाना है तो टैक्स तो लेना पड़ेगा, उसी पैसे से ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और 10 चीजें होंगी। और वो कभी भी कोई तूफानी राहत इनकम टैक्स में दे देंगे इसकी उम्मीद ही करना बेमानी, क्योंकि जब 2019 और 2024 के चुनाव के ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने कोई तूफानी फेरबदल नहीं किया टैक्स स्लैब में, तो ऐसा अब कैसे कर देते बॉस, जब भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि जिनको राहत की सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हें राहत मिली, भले ये थोड़ी राहत है लेकिन राहत दी गई। लेकिन इस बार मिडिल क्लास को और भी बहुत कुछ मिला है, उसके बारे में बताऊं उससे पहले पब्लिक बजट पर क्या बोल रही है एक बार वो रिएक्शन सुनिए। टैक्स स्लैब कम करना ये बहुत बड़ी राहत है, महिलाओं का भी ख्याल रखा है, स्टार्टअप के लिए भी बोला है, उसमें महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। देखा हूँ कि मिडिल क्लास को कहीं किसी तरह से गवर्नमेंट को ऐसी कोई छूट नहीं मिल रही है कि हाँ मिडिल क्लास को खुश हो, बाकी सारी लोगों को दिया जा रहा है। नहीं, कुछ चीजें तो अच्छी हुई हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, जैसे कुछ दवाइयां हैं जो कैंसर है, बाकी चीजें हैं सारी, उन पर काफी 15% से 20% कम किया गया है। पिछले 30-40 साल का बजट देख रहा हूँ लेकिन इस तरह की व्यवस्था तो कभी हुई नहीं थी स्टार्टअप के लिए, लोन के लिए बिना गारंटी के आपको लोन स्टार्टअप के लिए दे रही है गवर्नमेंट। कुल मिलाकर के बजट अच्छा है, महिलाएं खुश हुई है, आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कदम है, महिलाओं को और आगे बढ़ाने की तरफ कदम है। मोटे तौर पर पब्लिक भी कह रही है कि बजट ठीक लग रहा है। मोदी सरकार के बजट में मिडिल क्लास का पूरा ध्यान रखा गया, मिडिल क्लास को राहत और फायदा देने के लिए जो ऐलान किए गए वो भी आपको बताता हूं। मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 20 लाख कर दी गई, मतलब अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो जो लोन पहले 10 लाख तक का मिलता था सरकार कह रही है कि 20 लाख रुपए आप लोन लो और बिना किसी गारंटी के ये मुद्रा लोन मिलता है बॉस। शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए 1 करोड़ घर बनाने का ऐलान हुआ है, हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए का सस्ता लोन मिलेगा, कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई जिससे दवाएं सस्ती मिलेंगी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, मोबाइल फोन और उसके चार्जर से 15% एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है और अब मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते मिलेंगे। इस बार के बजट में युवाओं पर भी सरकार का फोकस साफ दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणाएं की, जैसे कौशल विकास की 5 योजनाओं को सरकार 2,00,000 करोड़ रुपए की फंडिंग करेगी जिससे 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा मिलेगा, 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अपग्रेडेशन होगा और इस अपग्रेडेशन से 5 साल में 20 लाख युवाओं का कौशल विकास होगा। सरकार ने 500 टॉप कंपनियों में युवाओं के लिए स्पेशल इंटर्नशिप का प्लान बना दिया है, यह बहुत बड़ी खबर है, जिसके तहत 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को टॉप की 500 कंपनियों में सरकार इंटर्नशिप करवाएगी। 1 साल की इंटर्नशिप में युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए भत्ता मिलेगा जबकि इंटर्नशिप पूरी होने के बाद अलग से 6,000 रुपए मिलेगी। पहली नौकरी करने वालों को भी सरकार की तरफ से सौगात मिलेगी और उनके पीएफ अकाउंट में 1 महीने की सैलरी सरकार अपनी तरफ से डालेगी। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें 10 लाख रुपए से ज्यादा का एजुकेशन लोन अब सरकार देगी और इस एजुकेशन लोन का 3% तक पैसा सरकार खुद जमा करेगी। यानी इस बार इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को थोड़ी छूट जरूर दिखे लेकिन घुमा फिरा के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने और मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाने दोनों का प्रयास होता दिखा।
बजट में सरकार ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 पर बढ़ाई है। अब इससे क्या सस्ता और महंगा हुआ है वो भी सुन लीजिए। बजट में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाएं और इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई, इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15 से घटाकर 6% कर दी गई है, इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे, इनकी कीमत कम हो जाएगी, आपकी टेंशन बढ़ जाएगी, भाभी जी कहेंगी कुछ दिलाओ। मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर टैक्स कम किया गया है, यानी हो सकता है घर में नए मोबाइल की डिमांड भी हो जाए। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। चमड़े से बना सामान भी टैक्स कम करने की वजह से सस्ता हो जाएगा। वहीं कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, अब इसे 15% कर दिया गया। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। सोलर सेल और सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। कुछ लेबोरेटरी केमिकल्स पर भी सरकार ने इस बजट में टैक्स बढ़ाया। यानी मोदी सरकार के बजट से एक बात साफ हो गई है कि भाई सरकार का जो फोकस था वो फोकस दिखना चाहिए, और सरकार कैसे आगे ले जाएगी देश को, अर्थव्यवस्था को, उसका पूरा प्रयास। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो लोन देना है वो 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया, और युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा हो, युवा स्किल्ड हो सके, इस पर जोर है। लेकिन एक और चीज पर जोर नजर आया, मोदी सरकार के बजट से एक बात और साफ हो गई कि हिंदुत्व का मुद्दा पीएम मोदी और उनकी सरकार के एजेंडे में जारी रहेगा। अयोध्या में लोकसभा चुनाव हारने के बाद इंडी गठबंधन लगातार कह रहा है कि जनता ने हिंदुत्व के मुद्दे को नकार दिया, लेकिन पीएम मोदी के लिए हिंदुत्व चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि आस्था और सनातन से जुड़ा मुद्दा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर हिंदू का वोट कम मिला, फिर भी मोदी ने बजट में हिंदुत्व पर कौन सी बड़ी घोषणा की। मोदी का डंके की चोट पर ऐलान, हिंदू और हिंदुत्व का एजेंडा नहीं छूटेगा, अब इसका चैप्टर।